मतलब टॉप से बढ़िया वाला काम करके दिया है, एकदम अच्छा वाला। मतलब तो हमने इसमें K3 वाली अल्ट्रा थिन एम्बियंट लाइटिंग इंस्टॉल कर दी है, जिसका लुक काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारा काम को 1 to 10 अगर आप रेट करना चाहेंगे तो आप कितना रेट करेंगे? पूरा 10 देंगे। हमने मेगासोनिक ब्रांड का लगाया, जो कि 4+32GB में आता है, विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड के साथ में आता है वायरलेस, और इसमें आप 360 कैमरा भी लगा सकते हैं। साउंड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, टच क्वालिटी आप देख सकते हैं, कोई इसमें 0 लैग है। इसमें हमने डबल डैम्पिंग भी करी, जिसके बाद गाड़ी काफी ज्यादा साइलेंट हो गई है, और अब आपको इसका सुनाएंगे साउंड का रिस्पॉन्स। हाय गाइस, दिस साइड मनीष फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर। तो आज आपके लिए लेकर आए एक और बलिनो सिग्मा, जो कि डायरेक्टली हमारे पास आई है गुजरात से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कस्टमर हमारी यूट्यूब पे वीडियो देख कर आए, इनको काम काफ़ी अच्छा लगा हमारा, तो इसको हम करने वाले सिग्मा मॉडल से टॉप मॉडल में कन्वर्ट। ये सिग्मा जो बेस मॉडल आता है कंपनी से, जिसमें स्टॉक पे कुछ भी नहीं आता, तो इसको हम करेंगे टॉप मॉडल में पूरा कन्वर्ट। बात करें कन्वर्जन की, सबसे पहले जो इसमें इंस्टॉल होगी, हेडलाइट इसमें येलो आती है, इसको रिप्लेस करके हम इसमें लगा रहे हैं मेगासोनिक की 180W LED, जो कि 1 ईयर वारंटी के साथ में आती है, और थ्रो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा मिलने वाला है। फिर नीचे की तरफ हम इसमें लगा रहे हैं विजिबिलिटी के लिए IPS के प्रोजेक्टर विथ LED विथ 1 ईयर वारंटी, इसका भी थ्रो काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है नाइट में, क्योंकि कस्टमर जो इनका नाइट रन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें हम लाइटिंग का अच्छा सेटअप ही कर रहे हैं। ओजूम भी हमने इनको दिखाया था, बट इनको इस ब्रांड पे जाना था, हमने ये ब्रांड लगाया इस गाड़ी में। बाकी विजिबिलिटी हम आपको आखिर में इसकी चेक करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। फिर आते हैं इसकी साइड की तरफ, तो साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी से अलॉय व्हील नहीं आते हैं, बेसिक रिम्स आती हैं बेस मॉडल में। इसमें हम लगा रहे हैं अलॉय व्हील, जिसमें अब आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसमें लगाने के बाद आपको पूरा इसका लुक चेक कराएंगे और बताएंगे क्या कैसा क्या टोटल गाड़ी का बजट गया है। फिर सिग्मा मॉडल में यहाँ पे जो मिरर आते हैं, बेसिक मिरर आते हैं, ब्लैक मिरर आते हैं, जो ऑटो फोल्डिंग और ऑटोमेटिक एडजस्टिंग दोनों नहीं रहते। इसमें हमने ऑटो फोल्डिंग वाले टॉप मॉडल में मिरर लगा दिए, जो कि एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग दोनों मिलने वाले। बेस मॉडल में ब्लैक मिरर आते हैं, और इसमें आपको इंडिकेटर भी मिलता है और फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग दोनों मिलता है, तो ये भी आप अपनी सिग्मा में लगवा सकते हैं। फिर यहाँ पे लुक के लिए हमने यहाँ पे डोर वाइजर ऐड कर दिए क्रोम लाइन वाले, यहाँ पे क्रोम गार्निश ऐड हो गई, ये भी टॉप मॉडल में आती है, ये भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। यहाँ पे हमने हैंडल क्रोम भी ऐड कर दिए कंप्लीट, ये भी आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने इंडिकेटर रिमूव करके हमने टॉप मॉडल वाली फेंडर गार्निश भी लगा दी है, जिससे आपको साइड से गाड़ी को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये बेस मॉडल है टॉप मॉडल है, तो ये भी गाड़ी में काम हुआ है। अब चलते हैं इसके रियर लुक की तरफ, तो अब आ गए इसके रियर के लुक की तरफ। रियर में यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं आते, यहाँ पे बेसिक रिफ्लेक्टर आते हैं जिसमें लाइट नहीं जलती, तो इसमें LED रिफ्लेक्टर एरो डिजाइन लगा दिए, इसका नाइट में काफ़ी अच्छा लुक आता है। यहाँ पे इसमें कैमरा भी लगने वाला है, जिसकी आपको कंप्लीट प्लेसमेंट दिखाएंगे कैमरा के लगने के बाद। फिर आते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको इसमें हमने क्या क्या अंदर मॉड्स करें। बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में साउंड प्रूफिंग बढ़ाने के लिए और साउंड क्वालिटी इनहेंस करने के लिए हमने इसमें करी है मेगासोनिक की डबल लेयर डैम्पिंग, हमने दोनों शीट करी है, सिंगल अंदर की साइड पे और बाहर की साइड दोनों डबल लेयर डैम्पिंग कर दी है इसमें। फिर हमने यहाँ पे क्रोम हैंडल इंस्टॉल कर दिए, जो कि टॉप मॉडल में आते हैं, सिग्मा में ये बेसिक ब्लैक आते हैं, तो ये रिप्लेस करके यहाँ पे क्रोम हैंडल इंस्टॉल हुए हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग की पूरी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे इसकी वायरिंग चल रही है एम्बिएंट लाइटिंग की, जिसका आपको आखिरी में पूरा लुक चेक करेंगे। स्पीकर कंपनी से नहीं आते, तो स्पीकर इसमें जो लग रहे हैं इन्फिनिटी प्राइमस के कॉम्पोनेंट स्पीकर लग रहे हैं, और रियर में इन्फिनिटी प्राइमस के कोएक्सल स्पीकर लग रहे हैं। यहाँ पे बात करें इसकी स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे कंपनी से बेसिक स्टेयरिंग आता है, तो ये रिप्लेस होकर यहाँ पे लगने वाला है अल्फा वाला टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग। यहाँ पे इसका पूरा पैनल खुला हुआ है, तो यहाँ पैनल पे इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम आने वाला है, जो कि मेगासोनिक ब्रांड का है विद एप्पल कारप्ले के साथ में, जिसमें आप 360 कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। फ्लोर पे मैटिंग हो गई पूरी 11D वाली फ्लोरिंग, जिसका आपको आखिरी में पूरी इसके लुक चेक करेंगे कैसा क्या इसका लुक आता है। फिर यहाँ पे बेसिक मॉडल में आर्मरेस्ट नहीं आता, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया है, टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट भी ऐड हो चुका है, जो कंप्लीट मारुति जनरल रहने वाला है। सीट कवर कस्टमर ने कंपनी से ले लिए थे, तो सीट कवर उनके ऑलरेडी अपग्रेड करे हुए हैं। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्रोसेस चल रही है, फ्लोर मैटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है इसकी। यहाँ पे गियर नॉब भी इसका चेंज होने वाला है, टॉप मॉडल वाला गियर नॉब भी लगने वाला है, और यहाँ पे अभी स्पीकर की और प्लेयर की पूरी प्रोसेस चल रही है, ऐसी कुछ है। अब आप सिनेमेटिक इसकी एंजॉय करना, फिर आखिरी में आपको इसकी दिखाएंगे पूरा काम कैसा क्या आपको काम लगता है। अभी ये बलिनो सिग्मा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पे इसमें LED लाइटिंग का सेटअप हो चुका है, 180W की हमने LED लगाई है जो हेडलैम्प में। नीचे की बात करें, नीचे हमने प्रोजेक्टर विद LED सेटअप करा है, जिसकी 1 ईयर वारंटी है, और थ्रो बात करें थ्रो काफ़ी ज़्यादा इसका अमेजिंग रहने वाला है, जो हम आपको चेक कराएंगे। फिर जो सबसे ज़्यादा इसकी आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल कर रही है, वो रही है इसकी साइड प्रोफाइल, क्योंकि हमने इसमें लगा दिए 15 इंच के नियो के अलॉय व्हील। नियो एक इंडियन ब्रांड है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है,
तो इसमें हमने सिल्वर फिनिशिंग में अलॉय लगाए जो काफ़ी ज़्यादा इसका लुक मैचअप कर रहा है। साथ ही साथ इसके लुक इनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे जो इसके कैलिपर है वो भी रेड पेंट में कर दिए जो कंप्लीट इसकी साइड प्रोफाइल को इनहांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप भी अपनी गाड़ी में अलॉय लगा के इसकी साइड प्रोफाइल इनहांस कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे सिग्मा मॉडल में बेसिक मिरर आते थे जिसमें ऑटो फोल्डिंग और एडजस्टिंग दोनों नहीं मिलता था आपको, तो उसको रिप्लेस करके हमने लगा दिए टॉप मॉडल में मिरर जिसमें आपको एडजस्टिंग और ऑटो फोल्डिंग दोनों मिलता है। अब आपको दिखाते हैं इसका फीचर। तो ये हमने गाड़ी लॉक करी, ये हमने गाड़ी अनलॉक करी। जब बेसिक मॉडल में आता था तो उसमें ये फीचर भी नहीं मिलता था और जो मिरर मिलते थे काफ़ी बेसिक मिरर मिलते थे तो उसमें ये फीचर नहीं आता था। तो आप भी अपनी बलिनो सिग्मा में ये ऑटो फोल्डिंग मिरर लगवा सकते हैं जिससे कंप्लीट इसका लुक आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लगने के बाद। फिर साइड क्रोम का तो हमने आपको दिखाई दिया था कि कैसा क्या फिनिशिंग क्वालिटी है, ये इंस्टॉल हमने पहले ही कर दी थी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, दिखाते हैं इंटीरियर में इसकी साउंड क्वालिटी और आपको जो प्लेयर हमने लगाया उसकी टच रिस्पॉन्स का चेक कराते हैं। तो इंटीरियर में कंपनी की तरफ से एम्बियंट लाइटिंग भी नहीं आती, तो हमने इसमें K3 वाली अल्ट्रा थिन एम्बियंट लाइटिंग इंस्टॉल कर दी है जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसमें 10 PC वाली किट इंस्टॉल करी जिसमें आपको डैश पे, डोर्स पे और आपको फ्लोर पे भी लाइट मिलती है। इसमें आपको 65+ कलर्स मिलते हैं जिसकी लाइटिंग और थ्रो की बात करें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसका रहने वाला है। नाइट में कंप्लीट एम्बियंस ही चेंज कर देती है एम्बियंट लाइटिंग लगने के बाद। अब चलते हैं इसकी इंडिया की तरफ, इसमें दिखाते हैं आपको साउंड क्वालिटी कैसी क्या आ रही है और इसका टच रिस्पॉन्स आपको चेक कराते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें स्टेयरिंग भी अपग्रेड करा है जो कि बेसिक मॉडल में आता था वो इसमें कंट्रोल्स नहीं मिलते थे, तो हमने इसमें स्टेयरिंग भी रिप्लेस करा है। टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग लगाया ब्लैक वाला, इसमें आपको सिल्वर वाला चीज़ वो भी मिल जाएगा स्टिचिंग वाला, तो हमने इसमें ये वाला लगाया। और यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं जो कि प्रॉपर वर्किंग आप देख सकते हैं, प्लेयर से पूरे प्रॉपर वर्किंग रहने वाले हैं ये कम्प्लीटली। तो ये स्टेयरिंग इसमें रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे हमने इसमें गियर नॉब लगा दिया, टॉप मॉडल वाला गियर नॉब नहीं आता था तो हमने वो भी लगा दिया यहाँ पे कम्प्लीट। फिर बात करें आमरेस, तो आमरेस भी नहीं आता था इस मॉडल में सिग्मा में, हमने इसमें टॉप मॉडल का आमरेस भी ऐड कर दिया जिससे कंप्लीट ये गाड़ी टॉप मॉडल बन जाती है। फिर इसमें रूफ लाइट भी नहीं आती तो हमने इसमें ये रूफ लाइट भी लगा दी है जिसको हमने LED सेटअप कर दिया, ये भी सिग्मा मॉडल में नहीं आता था, सिर्फ इसमें रियर की रूफ लाइट आती है तो हमने इसमें ये रूफ लाइट भी लगा दी है जिसका आप लुक एंड फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। और बाकी एम्बियंट लाइटिंग आप बताना कमेंट्स में आपको कैसी लग रही है। तो इसमें हमने जो एंड्रॉइड सिस्टम लगाया हमने मेगासोनिक ब्रांड का लगाया जो कि 4+32 GB में आता है विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड के साथ में आता है वायरलेस, और इसमें आप 360 कैमरा भी लगा सकते हैं। साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टच क्वालिटी आप देख सकते हैं कोई इसमें जीरो लैग है। इसमें हमने डबल डैम्पिंग भी करी जिसके बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गई है। और अब आपको इसका सुनाएंगे साउंड का रिस्पॉन्स, इसमें आपको DSP भी मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका इक्वलाइजर चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसको साउंड का आपको रिस्पॉन्स चेक कराएंगे, फिर आप बताना मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका साउंड कैसा लगा। यही थी इसकी साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रही है। हमने इसमें लगा इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट स्पीकर और उसी के कोएक्सल स्पीकर जिसका आप ट्विटर का देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट हुई कंप्लीट OEM जगह पे इसकी हमने प्लेसमेंट करी है। ट्विटर मैच भी हमारे पास कुछ दिन में इसमें आने वाले तो हम वो भी अपग्रेड कर देंगे। बाकी आपको कैसी लगी इसकी साउंड क्वालिटी आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बलिनो सिग्मा के ओनर हैं सर हमारे साथ में, तो उनसे रिव्यू लेंगे उनको टोटल काम कैसा लगा है, जो सुबह से शाम यहाँ पे हो गई तो उनको टोटल उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है वो उनसे पूछेंगे। तो भैया आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए। हम गुजरात राजकोट से आए हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भैया का वीडियो देख के फिर हमने उससे कॉन्टेक्ट किया, उससे पूरी बातें समझी, उन्होंने बोला ठीक है चलो आ जाए। मैंने बलिनो सिग्मा ली थी उसको पूरा टॉप मॉडल करवाना था, भैया से पूरी बात हो गई, उन्होंने पूरा मुझे समझाया, फिर हम स्पेशली गुजरात से राजकोट से यहाँ पर पूरा काम करवाना है। एक्सपीरियंस था सुबह से शाम तक का, मतलब स्टाफ को लेकर, हमको लेकर,
आपका एक्सपीरियंस टोटल हमारे साथ कैसा रहा और काम की क्वालिटी को देखकर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्टाफ का भी पूरा बहुत अच्छा था, काम क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, जो सोच गए थे उससे बढ़िया काम करके दिया है। तो मतलब जैसे जब आपने सोचा था मैं बलिनो सिग्मा लूंगा ये काम करूँ, तो आपको लगा था इतना काम हो सकता है और ये सब आप मतलब टॉप के भी ऊपर आप गाड़ी बना पाओगे? नहीं नहीं सोचा था थोड़ा बेसिक वाला काम होगा वो करवा लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो देखा भैया ने पूरा समझाया, मतलब टॉप से बढ़िया वाला काम करके दिया, एकदम अच्छा वाला। मतलब जो लाइटिंग की बात करें, मतलब टॉप मॉडल में भी इतनी लाइटिंग नहीं होगी, गाड़ी में लाइटिंग हो गई है, एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटिंग हो गई। और जो मेन कंसर्न होता है लोगों का वायरिंग को लेकर, वायरिंग नहीं कटती है, तो आपने हर एक चीज देखी कि कहीं आपकी वायरिंग नहीं कटी गाड़ी की? पूरा काम मैंने देखा है, सुबह से शाम तक मैं इधर ही था, कहीं भी कुछ भी वायरिंग कट नहीं हुई है, एकदम बढ़िया काम किया। मतलब अगर आप किसी को हमारा काम को 1 to 10 अगर आप रेट करना चाहेंगे तो आप कितना रेट करेंगे? पूरा 10 देंगे। तो गाइस ये थी पूरी बलिनो सिग्मा की वर्किंग, जो हमने सिग्मा को टॉप मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो आपको इसकी वर्किंग कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताना। बाकी इसका अगर लाइटिंग का रिस्पॉन्स देखें, साइड प्रोफाइल देखें, काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। आप भी अगर कोई ओनर है या कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं खरीदने की, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल, और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।